बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट ने अब घर के अंदर एक दूसरे से हाथापाई करने में हद ही पार कर दी है। कंटेस्टेंट का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो अब सीनियर्स की भी इज्जत करना भूल गए हैं। सिद्धार्थ आसिम की हाथापाई के बाद सिद्धार्थ रश्मि का चाय फेंकने वाली लड़ाई के बाद माहिरा ने पारस के थप्पड़ भी मारा और अब कुछ ऐसा ही सिद्धार्थ और शहनाज के बीच हुआ। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शहनाज जल्दी बाहर कर दी जाएंगी। ये वही सना है जो सिद्धार्थ पर जान छिड़कने को तैयार थी। वो सिद्धार्थ के लिए रश्मि का मुंह तोड़ने की धमकी भी दे चुकी हैं। इनकी बॉन्डिंग से पता चल गया कि सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन आज ये जोड़ी का भी असली रूप देखने को मिल गया है। अब शहनाज का गुस्सा फूटा तो उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड या यूं कहें कि उन्होंने ही प्यार पर ही हाथ उठा दिया। एक प्रोमो सामने आया जिसमें शहनाज बुरी तरह चीखती चिल्लाती नजर आ रही हैं और इतना ही नहीं वो सिद्धार्थ को थप्पड़ भी जड़ देती हैं। शहनाज सिद्धार्थ से कहती है कि मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। इनके अलावा एक फ्रेम में मधुरिमा और विशाल की भी हाथापाई दिखी। इससे पहले माहिरा पारस के थप्पड़ मार चुकी हैं। पारस ने माहिरा की इस हरकत पर उन्हें बेशरम लड़की भी कहा था, लेकिन बाद में इनका मामला सुलझ गया और फिर क्या, माहिरा हर बार की तरह पारस की गोद में आकर बैठने लगी। लेकिन मधुरमा और विशाल की इस कदर लड़ाई हुई कि एक फ्रेम में मधुरमा विशाल को चप्पल से मारती दिख रही हैं। इनकी लड़ाई देखकर बिग बॉस दोनों को अलग रूम में बुलाते हैं, जहां विशाल कहते हैं कि या तो इस शो में मैं रहूंगा या फिर मधुरमा। दोनों की लड़ाई देखते हुए बिग बॉस भी सोच में पड़ जाते हैं और फिर बिग बॉस ने इन्हें एक मौका दिया। बिग बॉस ने कहा एक बार साथ रहकर देखो, फिर दोनों में किसी ना किसी को बाहर कर दिया जाएगा। तो इधर विशाल और मधुरिमा में कोई एक बाहर जाएगा, तो वहीं उधर सिद्धार्थ और शहनाज में भी कौन बाहर जाएगा, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मिलम न्यूज रिपोर्ट।